हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और खौफ से भरी कहानी, कमसिन लड़की और अदृश्य शक्ति। यह घटना जनवरी 1989 की है। मुझे दिल्ली से रात का सफ़र करके सुबह हर हालत में जयपुर पहुँचना था। वहाँ सुबह 10 बजे मेरा एक प्राइवेट कंपनी में साक्षात्कार था। मैं सहारनपुर से अकेले ही बस से दिल्ली आई थी। मैं बस अड्डे पर डिलक्स बस का टिकट लेने के लिए राजस्थान वाले टिकट काउंटर पर खड़ी हुई तो एक संदिग्ध सा दिखने वाला आदमी मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया। मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। देखने में वह साधारण सा कुर्ता पहने था, पैरों में रबड़ की चप्पल थी, दाएँ हाथ में एक पतला सा चमड़े का बैग लिए हुए था और पान चबा रहा था। मैं थोड़ा डर गई, लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया। टिकट लेने के लिए मेरा नंबर आते ही मैंने तुरंत निर्णय लेते हुए टिकट ना लेने का फैसला किया और साधारण रोडवेज की बस से ही जयपुर जाने का इरादा किया। मैं नीचे की मंजिल पर टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए चले गई। वह अजनबी वहाँ भी आ गया और उसी काउंटर पर टिकट लेने के लिए खड़ा हो गया। अब भी वहाँ उसके देखने का जो ढंग था वह बड़ा ही विचित्र था। वह घूर घूर के मुझे देख रहा था। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। अपने मन में तर्क वितर्क करने के बाद मैंने पुनः डिलक्स बस में जाने का फैसला किया, क्योंकि बस पूरे रास्ते में एक ही जगह रुकती थी, वह भी सुरक्षित स्थान पर। दूसरी बात यह कि आमतौर पर इस बस की सभी सवारियां शिक्षित और सभ्य ही होती है। अतः मैंने डिलक्स बस की टिकट ली और बस में आकर बैठ गई। पूरी बस में मात्र 2 सीटों की जगह खाली थी, बाकी सारी सीटें भरी हुई थी। एक सीट मेरे पीछे वाली और दूसरी मेरे साथ वाली अभी भी खाली थी। बस कंडक्टर केवल एक सवारी के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने जैसे ही चेन की सांस लेनी चाही कि सामने वही आदमी खड़ा मेरे बराबर वाली सीट से अपना टिकट नंबर मिला रहा था। उसका वही नंबर था जो मेरे बराबर वाली सीट का था। मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई। अभी वह आदमी उस सीट की ओर देखकर कहने लगा, माताजी, यह सीट मेरी है। मैं आश्चर्यचकित कभी उस आदमी को तो कभी अपनी बराबर खाली पड़ी सीट को देख रही थी, जहाँ कोई माताजी नहीं थी। मैंने सोचा कहीं यह आदमी सनकी तो नहीं है। कंडक्टर के कहने पर वह आदमी मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे सामने वाली सीट और आसपास में बैठे जो लोग थे वो मेरे साथ वाली सीट के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे वहाँ पर कोई बैठा हो। मुझे भी कई बार लगा जैसे सीट बीच बीच में हिल रही है, कभी जोर जोर से गहरी सांस भी सुनाई देती। 10-15 मिनट के बाद मैंने अपने से आगे वाली महिला से कहा कि वह अपने बेटे जो 7-8 साल का रहा होगा को मेरी बराबर वाली सीट पर बैठा दे। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उस महिला ने धन्यवाद देते हुए कहा, रहने दीजिए, माताजी को परेशानी होगी। यकीन कीजिए, भूत प्रेत पर विश्वास न करने वाली विज्ञान की छात्रा रही मैं सर्दियों के ठिठुरन भरे मौसम में पसीने से तरबतर हो रही थी। लोग मुझे सनकी या पागल ना समझे और कोई तमाशा ना बने, इसलिए मैं चुपचाप ही बैठी रही। बस में हल्की रोशनी थी, फिर भी मैंने धीरे से हाथ बराबर वाली सीट की ओर बढ़ाया, जो यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में वहाँ कोई बैठा तो नहीं है। लेकिन सीट तो बिल्कुल ही खाली थी। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। इस बीच मुझे लगा जैसे मेरे 1-2 बाल कोई खींच रहा है या कहीं मेरे बाल अटक गए हैं। मैंने सोचा मैं अपने लगे क्लिप को ठीक करने के लिए हाथ पीछे करने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी महिला का हाथ, जिसके 4 या 5 चूड़ियां थी, मेरे सर के पीछे से सीधा सीट के ऊपरी सिरे पर जा रहा है। मेरी उंगलियां ने उन चूड़ियों को महसूस किया। सिर उठाकर देखा तो कोई हाथ नहीं था, बल्कि पीछे की सीट पर दोनों ही आदमी थे। तो क्या यह हाथ मुझे उस अजनबी आदमी की हरकतों से बचा रहा था? पूरे रास्ते मैं चाहकर भी सो नहीं पाई, डर लगता रहा। सुबह के साक्षात्कार की भी चिंता थी। बाहर रोड से थोड़ा पहले जब बस की गति धीमी हुई तो बाहर देखने के लिए खिड़की का पर्दा हटाया, पर शीशे बंद थे। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन ये क्या, शीशे में मेरे प्रतिबिंब के साथ एक वृद्ध महिला का भी प्रतिबिंब नजर आ रहा था, जिसकी उम्र 60-65
के करीब रही होगी। महिला ने हल्के छोटे प्रिंट की सफ़ेद सी साड़ी व ब्राउन रंग की कश्मीरी किनारी की शाल सिर्फ कंधे पर पहन रखी थी। बाल आधे काले व आधे सफ़ेद थे। गले में शायद लकड़ी जैसे छोटे मोतियों की माला व कानों में छोटे छोटे टाप्स थे। मैंने सोचा शायद कोई अभी अभी आकर बैठ गई होंगी। मैंने बात करने के लिए मुंह जैसे ही घुमाया तो वहाँ कोई भी नहीं था। दोबारा खिड़की के शीशे में देखा तो वही प्रतिबिंब फिर उभरा। सीट हिलने की भी आवाज़ आ रही थी। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। पहली बार अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व पर विश्वास मुझे करना ही पड़ा। बस बहर रोड मिडवे रेस्टोरेंट पर रुकी। मैं भी जल्दी जल्दी कांपते पैरों से उतरकर सबके साथ अंदर भागी। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप कुर्सी लेकर मेज पर सिर टिकाकर बैठ गई। तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आया। मैंने उससे कहा, मैंने तो ना कूपन लिया है ना कॉफ़ी का ऑर्डर किया है। तो वहाँ कहने लगा कि आपकी टेबल पर कॉफ़ी पहुंचाने का ऑर्डर आपकी माजी ने दिया है। वहाँ देखिए, वो खड़ी है। पर मुझे काउंटर पर कोई महिला नहीं दिखी। हाँ, दो छोटे बच्चे ज़रूर दिखे, पर कोई तमाशा ना बने इसलिए मैं कॉफ़ी पीने लगी। अचानक से मुझे ख्याल आया कि जो अदृश्य शक्ति मेरा इतना ख्याल रख रही है वह मेरा तो कभी बुरा नहीं कर सकती। मुझे विश्वास हो गया कि वह अदृश्य महिला मुझे उस संदिग्ध आदमी की गलत हरकतों से बचाने आई है जो यदा कदा मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। कॉफ़ी पीकर मेरी घबराहट कुछ दूर हुई। मैं बेफिक्र होकर बस में आकर बैठ गई। सोने की कोशिश की तो मुझे नींद ही नहीं आई। उस महिला का हाथ अब भी मुझे अपनी सीट के ऊपर महसूस हो रहा था, मानो मुझे उस आदमी की उंगलियों की हरकतों से बचा रहा हो। जयपुर से पहले आमेर के किले के पास एक चौराहे पर वह आदमी उतर गया। साथ ही मेरे बराबर वाली सीट भी हिली और किसी के उठने का एहसास हुआ। मैंने पीछे हाथ लगाकर देखा तो चूड़ियों वाला हाथ नहीं था। शीशे में प्रतिबिंब दिखना भी गायब हो गया। थोड़ी देर में पीछे वाले दूसरे आदमी ने अपना बैग नीचे से उठाकर मेरे साथ वाली सीट पर रख दिया तो मुझे यकीन हो गया कि वह महिला अब वहाँ नहीं है। मैंने मन में बार बार उसे धन्यवाद दिया जिसने मेरी रक्षा की। ऐसी और भी रहस्य और रोमांच से भरी हॉरर स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।